Hello everyone and welcome to Learn Services. In this video, I will talk about bad loans. Bad loans are very poisonous for any banking system. And I will talk about the write-off loans as well. So as you know, the heading of this topic is 80% of write-off in decade came in last 5 years. Pichle 10 saal mein jo 80% write-off hua, wo pichle 5 saal mein hua actually. ये 10 साल का राइट ऑफ यदि आप चेक करें तो पिछले 5 साल में जो राइट ऑफ हुआ वो पिछले 10 साल के राइट ऑफ का 80% अमाउंट पिछले 5 साल में हुआ. तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा राइट ऑफ एक्चुअली होता क्या है. राइट ऑफ का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बार यदि आप लोन को राइट ऑफ कर देते हैं तो जिस तरह से लोन की रिकवरी बहुत ही अग्रेसिव तरीके से की जाती है जनरली यदि नॉन परफॉर्मिंग एसेट है तो राइट ऑफ होने के बाद में उसकी अग्रेसिव रिकवरी नहीं हो पाती. दैट इज बिगेस्ट प्रॉब्लम विद राइट ऑफ. लेकिन प्रॉब्लम ये भी है कि बैंक की जो बैलेंस शीट है जो आपने बैसल के नॉर्म्स पढ़े होंगे तो उसमें बैंक की जो बैलेंस शीट है उसको मेंटेन करना होता है. लेकिन राइट ऑफ चूंकि लोन काफ़ी ज़्यादा होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी ख़राब दिखती है और इसी कारण बैंक को राइट ऑफ करना होता है. ओके बट राइट ऑफ हम तभी करना चाहिए हमें जब सारे तरीके हमने इस्तेमाल कर लिए हों, सारे रिकवरी करने के सारे तरीके इस्तेमाल कर लिए हों, उसके बाद ही राइट ऑफ करने का ऑप्शन हमें चूज़ करना चाहिए. यदि उसके पहले यदि हम राइट ऑफ करने का ऑप्शन चूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये अच्छी बात नहीं है. ये बैंकिंग सिस्टम और कंट्री के जो इकोनॉमी के लिए वो अच्छा नहीं होता. फिलहाल ये एक राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के थ्रू ये एक RBI के द्वारा दी गई रिपोर्ट्स है, दी गई एक इन्फॉर्मेशन है, उसके बारे में देखेंगे. तो राइट ऑफ की बात करें तो पिछले 9 महीने में देखा गया दिसंबर 2018 तक में जो राइट ऑफ किया गया वो है 1,56,702 करोड़. 1,56,702 करोड़ लोन वाज राइट ऑफ इन द लास्ट 9 मंथ. ये देखा जाए तो दिसंबर 2018 तक की बात करें. यदि पिछले 10 साल के राइट ऑफ की बात करें तो 7 लाख करोड़ राइट ऑफ किया गया पिछले 10 साल में. और जैसा कि आपको बताया गया है यदि पिछले डिकेड जैसे 7 लाख करोड़ की बात करें तो पिछले 5 साल में उसका 80% राइट ऑफ अगले पिछले 5 साल में ही किया गया है. आई विल टॉक अबाउट ईच ईयर की हर साल कितना राइट ऑफ किया गया है बट उसको जानने के पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो देखते हैं. पिछले 5 साल में यदि देखा जाए अप्रैल 2014 से जो राइट ऑफ किया गया आप देख सकते हैं यहाँ पर ₹5,55,603 करोड़ 5,55,603 करोड़ का जो लोन है वो राइट ऑफ किया गया पिछले 5 साल में. और आप जान सकते हैं ये बहुत ही बड़ा अमाउंट ऑफ लोन है. और यदि और जानना है आपको 2016-17 का देखना है तो 1,08,374 करोड़ 2016-17 में राइट ऑफ किया गया. 2017-18 में 1,61,328 करोड़ राइट ऑफ किया गया. तो ये आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा अमाउंट है. और यदि हम पिछले साल का डेटा देखें तो लेट मी शो यू अनदर स्लाइड. ये है, ये आप डाटा देख सकते हैं. 2009-10 का जो राइट ऑफ था वो था 25,352 करोड़. 2010-11 का जो राइट ऑफ था 23,895 करोड़. 2011-12 का जो राइट ऑफ था वो भी था 20,752 करोड़. 2012-13 का राइट ऑफ था 32,000 करोड़. 2013-14 का जो राइट ऑफ था वो था 42,000 करोड़. लेकिन आप देख सकते हैं 2014-15 से राइट ऑफ की अमाउंट अचानक से बढ़ने लगी है. 2014-15 में राइट ऑफ था 58,786 करोड़. 2015-16 में राइट ऑफ था 70,413 करोड़. 2016-17 में राइट ऑफ था 1,08,374 करोड़. 2017-18 में राइट ऑफ था 1,61,328 करोड़. 2018-19 में राइट ऑफ था 1,56,782 करोड़. तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है और ये अमाउंट काफ़ी भी डिस्करेजिंग है कंट्री की इकोनॉमी के लिए. और राइट ऑफ करना डेफिनेटली इम्पॉर्टेंट होता है चूँकि बैंकिंग सिस्टम के लिए जो बैंक की जो बैलेंस शीट है उसके लिए राइट ऑफ करना जरूरी होता है चूँकि नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है तो Basel III नॉर्म्स जो होते हैं उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाते जिसके कारण बैंक का जो क्रेडिट है बैंक की जो एबिलिटी है वो ड्रॉप करने लगती है. इसलिए राइट ऑफ करना जरूरी होता है. लेकिन राइट ऑफ इज़ नॉट ए सोल्यूशन. राइट ऑफ कैन बी वेरी डेंजरस फॉर बैंकिंग सिस्टम. यदि आप देखें तो यदि आप रिसेंटली डेटा पढ़ें इसमें डेटा दिया हुआ है आप देख सकते हैं इस समय बैंक का जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है यदि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक का नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स देखा है तो इस समय लगभग 10 लाख करोड़ के आसपास में है. और आपने देखा हो गवर्नमेंट ने रिकैपिटलाइजेशन अनाउंसमेंट किया था रिकैपिटलाइजेशन प्रोग्राम में 2.11 लाख करोड़
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इंडक्ट करने की बात की थी बैंकिंग सिस्टम में, क्योंकि ऑब्वियसली बैंक में इस समय 10 लाख करोड़ का NPA है जो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इतना राइट ऑफ होने के बाद इतना ज़्यादा अभी NPA बचा हुआ है, 10 लाख करोड़ बचा हुआ है। सो आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है। तो राइट ऑफ जो जितना ज़्यादा हो रहा है, ये आप देख सकते हैं बैंकिंग सिस्टम कितना ज़्यादा पेन से गुजर रहा है। इसके बाद भी यदि गवर्नमेंट ऑफ जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो खास तौर से भी इलेक्शन प्रोपागंडा होता है, उसमें ये किया जाता है कि जो बैंक के जो लोन है, फार्मर्स के लोन वेवर कर दिए जाएंगे। तो कई बार क्या होता है कि जो फार्मर्स, जो स्ट्रेस्ड फार्मर हैं, उनका लोन वेवर करना तो डेफिनेटली बनता है, लेकिन कई बार जो बड़े फार्मर्स होते हैं उनका जो लोन है उसको वेवर करते हो आप, तो काफ़ी ज़्यादा वो लोन का अमाउंट ले रखे होते हैं और उसके वेवर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट स्पेशली जो बैंकिंग सिस्टम है उसके एक्सचेकर में काफ़ी ज़्यादा लोड होता है और दीज आर नॉट गुड ऑप्शंस। तो डेफिनेटली उससे कंट्री का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो उससे भी डाउन होता है। सो डेफिनेटली दीज आर थिंग्स यू कैन अंडरस्टैंड। एनीवे यदि आपके कुछ अंडरस्टैंडिंग है इसमें तो आप नीचे कमेंट जरूर करें। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर एंड सी यू सून द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल, बाय बाय।